रोहन तुम्हारे जीजू नहीं और ना कभी होंगे। वो कम ऑन यार, आज के दिन भी तुम सैड खड़ी हो। आज कूलेस्ट बंदे का बर्थडे है। द कूलेस्ट गॉड। आज तुम्हारा बर्थडे है? नहीं नहीं, मेरा नहीं। मैं तो कूलेस्ट गाय हूँ ना, गॉड नहीं। बट अच्छा है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। बट फिलहाल ये सोचो कि कूलेस्ट गॉड कौन है। सोचो सोचो। जन्माष्टमी है, हम कैसे भूल गए? कम ऑन यार, हद है। माता की चौकी के टाइम तो तुम इतनी तैयारी कर रही थी, पर आज जन्माष्टमी भूल गई। भगवान श्री कृष्ण को लड़का होने की वजह से कहीं तुमने बायकॉट तो नहीं कर दिया? अब नील, हम तुम्हारे साथ जन्माष्टमी में आ जाए प्लीज। थैंक यू दीदी। अरे सुनो सुनो सुनो, मैंने सिर्फ तुम्हें अलाउ किया था, तुम्हारी बहनों को नहीं। अरे पर हमने तुमसे पूछा था ना कि हम आ सकते हैं कि नहीं, तो तुमने ऐसे इशारा किया था। यार बहुत कंफ्यूजिंग है ये तुम्हारे इस हम में। हम मतलब हम या फिर हम मतलब तुम चारों? सॉरी टू लेट, पर अब तो हम चारों ही आएंगे। ठीक है, थैंक यू दीदी। ओए नील, जल्दी आ यार, प्रैक्टिस भी करनी है, गिर जाएंगे वरना। अब प्रैक्टिस करो ना करो, गिरना तो है ही, क्योंकि शास्त्री सिस्टर्स आ रही है दही हांडी पे। दीदी, अरे तो आप लोगों को याद था क्या जन्माष्टमी है? सिर्फ हम ही भूल गए। वाह दीदी, मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। आपने तो बिल्कुल वैसे ही सजा जैसे माँ सजाती थी। और कान्हा जी की झांकी भी कितनी अच्छी लग रही है। अब तुम हमारी गुड्डू को वैसे ही सजाओ जैसे कि माँ सजाती थी। चलो दीदी को बुलाए। हाँ। दीदी, अलका दीदी। अरे अलका दीदी, आज जन्माष्टमी है। हे भगवान, हम कैसे भूल गए? हमें ना शायद इसी बात का पाप लग रहा है। हे श्याम जी, हमें माफ कर दीजिए। दीदी अब तैयार हो जाओ, फिर पूजा करते हैं। दीदी चलो ना, फिर उसके बाद में कान्हा जी की झांकी देखने जाएंगे। गुड्डू, दिल्ली इतनी बड़ी है, तुम्हें पता ही नहीं कौन सा मंदिर पास है और कौन सा दूर। तो दीदी कहीं और जाने की क्या जरूरत है? नीचे नील और उसके दोस्त ने दही हंडी का इंतजाम किया है। क्या? अब नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब पहले हम सब पूजा कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोगों को जहाँ जाना है चले जाना, हम घर पे ही रहेंगे। अरे दीदी, आज के दिन में जितना सैड होना था ना, उससे ज्यादा ही सैड हो गए। कल पता नहीं और कितना सैड होना पड़े। उसे बेटर है कि लाइफ को एंजॉय करते हैं। और वैसे भी आज सबसे कूलेस्ट गॉड का बर्थडे। दिव्यानी दीदी, आपके और नील के ख्याल कितने मिलते हैं? अगली बार अगर ऐसे कहा ना तो तुम्हारे उसके बाल भी मिलेंगे। दीदी चलो ना। दिव्यानी सही तो कह रही है दीदी, कल पता नहीं क्या होने वाला है। दुखी होने से वो कम तो नहीं हो जाता है, लेकिन खुश होने से दुख जरूर कम हो जाता है। जैसे कृष्ण भगवान हमें हर मुसीबतों से हंस के लड़ने की सीख देते हैं, हमें यकीन है भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। Thank you.
क्या रहे बेटा, लो देख लो दिल्ली की जन्माष्टमी। अंकल पर हमने तो सुना था कि ये दही हांडी सिर्फ मुंबई में मनाई जाती है। बेटे किसी ऊंचाई पर लटकी हुई चीज को देख के शुदाई हो जाना, उसे पाने की कोशिश करना, उसके लिए एक दूजे का सिर पाड़ना, और अगर कोई उस चीज तक पहुंच जाए तो उसकी टांग खींचना, ये तो हर जगह की रीत है। और हाँ, उसके हासिल हो जाने के बाद उसे खोपड़ी मार के तोड़ देना, ये बॉम्बे वाली नहीं, ये तो दिल्ली वाली बात लगती है। नहीं बेटा तुम लोग जाओ, नचो टपो जाओ। चलो 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 दीदी, चलो ना हम भी चलते हैं। अनु तुम चलो, हमारा ना बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन तुम प्लीज जाओ। अनु तुम अगर हमारे लिए यहाँ रुकोगी ना तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा। ठीक है लगने दो, लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं, हमारा बहुत मन हो रहा है वहां पे जाने का, हम सिर्फ इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि आप ना कह रही हो। अनु प्लीज, इस बार तो मटकी फोड़ के रहेंगे। रहने दो तुमसे नहीं होने वाला। सही कहा, इनसे नहीं होगा। वैसे हमें नहीं पता था कि तुम दही हांडी खेलने वालों में से हो, हमें तो लगा था कि तुम कहीं से पी पा के आओगे, लड़कियों को छेड़ोगे और पिटोगे। अगर तुम्हें पता होता तो इन में और मुझ में फर्क कैसे पता लगता। तैयार हो जाओ इम्प्रेस होने के लिए। तुम और ये भूल जाओ। क्यों, कोई शक? शक नहीं, हमें पूरा यकीन है कि तुम ये नहीं कर पाओगे। तुम्हें यकीन नहीं, गलत फहमी है, और इस गलत फहमी को मैं दूर करूंगा। चले दीदी, अनुष्का जल्दी चलो, अलका वहां पे डांस शुरू। चलो देवयानी। अरे अनुष्का, रंग की बकेट तो हमने नील पर डाली थी, तुम्हें चेंज करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? और पता है बुआ जी, यहाँ के लोग जन्माष्टमी एकदम अलग तरीके से मनाते हैं, सब एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं वो पिरामिड जैसे, और फिर बाद में ऊपर लटकी मटकी तोड़ देते हैं। हमारे यहाँ सरीन अंकल है ना, उनका बेटा नहीं, आज मटकी उसने तोड़ी थी, बहुत मजा आया था, डर लगा था बट फिर भी मजा तो आया था। और पता है बुआ जी, आज मैंने अनुष्का और देवयानी दीदी ने डांस भी किया था। आ रहे हैं। राजीव जी, राजीव जी, बात की आपने? आप क्या करें राजीव जी, अब जाइए, पापा यही है। अब मिल गया जवाब, इस बार हम दो टिकटे लाए हैं, चलिए प्लीज जाइए ना। नहीं जाएंगे, पहले हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने वाले थे, लेकिन अब आपका छुड़वाएंगे। राजीव जी छोड़िए, और वैसे भी ये घर आपका नहीं रहा, चलिए। राजीव जी हमारा हाथ छोड़, राजीव जी हमने हमारी बहनों को सब बता दिया है, प्लीज अब जाइए यहाँ से। तो फिर शादी रुक गई, अब तो कानपुर जाके ही रुकेंगे। राजीव जी छोड़िए, राजीव जी हाथ छोड़िए, छोड़ो। छोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो, वरना 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 तब तक प्यार से पेश आ रहे थे तो कमजोर थे, और नहीं अब हम अपनी पे आ गए हैं, और किसी में इतना बल नहीं जो राजीव की पकड़ को ढीला कर सके। हमारे घर के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? टांग तोड़ देंगे तुम्हारी हम। राजीव जी की कोई गलती नहीं। राजीव, तुम वो कानपुर के किराना भंडारवाल के बेटे हो ना? यहाँ कैसे आया?
कुछ पूछ रहे हैं? पापा, वो हमसे मिलने आए थे। हम उनसे प्यार उनसे प्यार करते हैं। जाओ यहां से। अब एक मिनट में यहां खड़े रहे, हम पुलिस को बुला लेंगे। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? चले जाओ यहां से। पापा, प्लीज पापा, शास्त्री जी की बेटी का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और शास्त्री जी को पता ही नहीं। और क्या क्या छुपाया बता दो हमें, नहीं तो हम मूर्ख की तरह पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहेंगे अपने बेटी के संस्कारों की, और तुम हमारे पीठ पीछे हमें शर्मिंदा करने वाली हरकतें करती रहोगी। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। हमने तो सिर्फ प्यार किया, अब वो भी किया नहीं हो गया। हमने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, पर हम रोक नहीं पाए। बेटा, अगर संस्कार मजबूत होंगे ना तो कोशिशें कमजोर नहीं पड़ती। देख रहे हो तुम लोग, ये पंडित का घर है। आज ये दिन आ गया जो हमें ये सब सुनना पड़ रहा है। हे भगवान, सब बेकार हो गया। इतना पढ़ाना लिखाना सब व्यर्थ। तुम्हें अपने ऊपर इतना भी संयम नहीं था? एक सड़क छाप लड़के के पैतरों के आगे घुटने टेक दिए। राजीव जी, सड़क छाप नहीं है। अरे सड़क छाप नहीं है तो कैसे गुलाब चाहिए हमारे घर पे? जिस लड़के ने तुम्हें चोट पहुंचाया उसका तुम बचाव कर रही हो? कान खोल के एक बात सुन लो, कानपुर में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। ये रिश्ता, लव मैरिज, हम ये सब कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तीन और लड़के हैं इस घर में ब्याहने के लिए, तुम अकेली नहीं हो। अगर हमने तुम्हें बड़ी बेटी का अधिकार दिया है तो जिम्मेदारी भी तुम्हें से निभाएंगे। अधिकार? कौन सा अधिकार दिया है हमें पापा? जब ये सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी तो हमें हिंदी मीडियम में पढ़ने का अधिकार? जब ये सब बाहर खेलने जाया करती थी तो हमें घर संभालने का अधिकार? बचपन के सुख भोग रहे थे तो बड़े ना होने पर भी बड़े होने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, संस्कारों के नीचे दबे रहने का अधिकार, परिवार के लिए अपने प्यार को
त्याग देने का अधिकार, हमें कौन सा अधिकार मिला है बाबा? बोली, हमें कोई अधिकार नहीं मिला। अगर हमें कुछ मिला है ना पापा, तो सिर्फ और सिर्फ बड़े होने की जिम्मेदारी है। पर इस बार हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं पापा। हम जानना चाहते हैं कि आप हमें हमारा अधिकार देते या फिर जिम्मेदारियों के पीछे ढकेल देते। पारी बरसी खटन गया सी खटके लियांदी घंटी, पारी बरसी खटन गया सी खटके लियांदी घंटी, महफिल तां सजदी, महफिल तां सजदी जब नचेल का दी अंटी। ये क्या है? टप्पों की प्रैक्टिस। क्यों भाई? शादी भी तो जल्दी हो जाएगी ना। अब तो मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। मैंने तो सोचा था कि नील को लगे थप्पड़ का बदला लूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरे हाथ से भलाई हो गई। भगवान ना पता नहीं अपने बंदों से क्या क्या कराता है। करने कुछ और जाओ, वो कुछ और जाता है। तो मुझे लगता है कि इंसान के हाथ में कुछ है नहीं। तुम दोनों जनानियां किसकी लाइफ पे सीरियल बनाने की कोशिश कर रहे हो? आप बिना, आपको लगता है हमारे पास कोई काम तो है नहीं? हम तो वेले बैठे हैं। और क्या? आ ले तेरे मैचिंग थ्रेड। हाँ, हम तो डिजाइन डिस्कस कर रहे थे। मैं तो ये सोच रही थी कि शुरुआत तो मैंने सही की थी, ये डिजाइन उल्टा कब हो गया? सुनो जी, आपको नहीं लगता शास्त्री जी हाँ बोलने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रहे? पापा, पानी। पापा प्लीज एक बार अलका दीदी की बात सुन लीजिए, एक बार तो सुन लीजिए। हेलो। हाँ शास्त्री। अरे देवयानी बेटा, बेटा पापा को फोन दो। पापा, सरीन अंकल का फोन है। हेलो। हाँ शास्त्री जी, वो अभी थोड़ी देर पहले ना रोहन की भाभी का फोन आया था, तो वो सीधा सीधा तो नहीं, पर वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रही थी कि आपका जवाब क्या है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, हाँ कहने के कई कारण है, ना कहने का एक भी नहीं। तो ये देर से जवाब देने के चक्कर में कहीं रिश्ता हाथ से ना छूट जाए। आप आगे आप देख लो। ठीक है, बताते हैं। अच्छा लड़के वाले मंगनी की डेट तय करने के लिए मिलना चाहते हैं। उनसे क्या कहना है, इसका अधिकार हमारे पास तो अब रहा नहीं। रोना भी नहीं चाहिए। जिस बाप ने अपनी बेटी को कभी कोई अधिकार नहीं दिया,
बल्कि जिम्मेदारियां थोपता रहा उस पर। नहीं होना चाहिए अधिकार उसके पास। माँ बाप के लिए हर बच्चा एक जैसा होता है बेटा, फिर भी पहला बच्चा होने के नाते अलका को वो सब प्यार दुलार मिला जो एक बड़े बच्चे को मिलता है। हमें अच्छी तरह याद है जब अलका पैदा हुई थी ना, हमें लगा हमारी आयु बढ़ गई, जीवन को एक दिशा मिल गई, जीने का मकसद मिल गया, उसे देखकर एक प्रेरणा मिलती थी कि कल को हम ना भी रहे तो हमारा एक अंश तो आ गया इस दुनिया में। हम बाहर से कभी दुखी लौटते, दरवाजे पे कड़ी छोटी सी अलका दिख जाती तो हमारे सारे दुख गायब हो जाते थे। कभी खुश होके लौटते और इसका चेहरा दिख जाता तो हमारी खुशी दुगनी चौगनी बढ़ जाती। लेकिन ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, दुनिया के हर माँ बाप के साथ होता है। आज तक हम उसका भरोसा नहीं जीत पाए तो उसके जीवन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार हमें नहीं होना चाहिए। देखो अनुष्का, आज तक इस घर की सारी उलझने तुम सुलझाती आई हो, तुम दोनों लड़कों से भी मिल चुकी हो, रोहन और राजीव। अपनी अलका दीदी की पसंद नापसंद तुम हमसे तो ज्यादा ही अच्छी तरह समझती हो। तो बेटा, जो तुम्हें उचित लगे, जो भी तुम्हारा निर्णय हो, हमें बता देना बेटा, हम स्वीकार कर लेंगे।